दौर में लगातार अपराध बढ़ रहे हैं। पिछले दिनों लगातार हत्याएं हुई, वहीं लूट चोरी की वारदातों में भी इजाफा देखने को मिलता है। इसी के विरुद्ध स्वरूप आज यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ इंदौर पुलिस कमिश्नर राकेश गुप्ता को ज्ञापन सौंपा। प्रदेश यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष मितेंद्र सिंह ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि जिस तरीके से इंदौर में महिलाओं के साथ अपराध हो रहे हैं, युवाओं के साथ अपराध हो रहे हैं, यहाँ पर ना मीडिया सुरक्षित है, ना महिला, ना युवा। जिस तरीके से क्राइम बढ़ता जा रहा है, इसको लेकर हमने ज्ञापन पुलिस कमिश्नर को दिया। यूथ कांग्रेस ने मांग की कि स्पेशल टीम गठन करें जिससे मॉनिटरिंग की जा सके। बताइए, जिस तरीके से महिलाओं के साथ अपराध हो रहा है, हमारे युवाओं के साथ कहीं ना कहीं जिस तरीके की जोर जबरदस्ती की जा रही है, यहाँ पर ना तो मीडिया सुरक्षित है, ना युवा सुरक्षित है, ना महिला सुरक्षित। जो इंदौर में जिस तरीके से क्राइम बढ़ता जा रहा है, आज उसको लेकर हमने ज्ञापन दिया और ये मांग की एक स्पेशल टीम का गठन किया जाए जिसके तहत आप मॉनिटरिंग कर सकें, जिससे ये इंदौर की जनता ये महसूस कर सके कि वो यहाँ सुरक्षित है, रात में घूम सकते हैं। क्योंकि इंदौर एक सपनों का शहर है, जहाँ हर व्यक्ति बड़ी सहूलियत के साथ रहता है, जहाँ पर प्रेम है, जहाँ आदान प्रदान है भाव और भावनाओं का। उस जैसे प्रदेश में, अगर उस जैसे जिले में अगर इस तरीके से क्राइम बढ़ेगा तो लोग कैसे सुरक्षित महसूस करेंगे। तो मेरा ये मानना है, हमने कड़ी से कड़ी कार्रवाई की बात की, हमने कहा हमारे युवा साथी हैं बब्बू भाई जिनके घर में जानलेवा हमला किया गया, उसके खिलाफ भी अगर आप कार्रवाई नहीं करेंगे तो कब करेंगे। अगर दोषी इस तरीके से बाहर घूमेंगे तो कब इंसाफ मिलेगा। तो इन सारी बातों को संज्ञान में रखते हुए उन्होंने हमें बताया कि हम आपकी बातों पर संज्ञान में रख के कोई ना कोई ठोस कदम जल्द से जल्द। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।